मुकद्दस कुछ छोड़ तो नहीं खाना। साथ ही में वही पैच जो है ना ऑर्गेंजा वाला एम्ब्रॉयडरी वाला, वो इसी तरह से इन्होंने स्लीव्स के आगे लगाया हुआ है। अच्छा, सिल्क का ये है कपड़ा, नेवी ब्लू कलर है प्लेन सिल्क का ना, और ट्राउज़र भी सेम उसी स्टफ में है। और टेबल वगैरह थी, दालें वगैरह थी, सारी ख़त्म हुई थी। ये जी सारी जाके हम ले आए हैं और मुकद्दस यहाँ पर चीज़ें संभाल रही है और आमना साथ में उठा उठा कर देती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही हमारे यहाँ सरगोधा में सुबह 7:15 के 7:30 बजे लाइट गई है और अभी तक नहीं आई। अब तकरीबन 6 बज रहे हैं शाम के और दोपहर को 3 बजे तक तो UPS चलता रहा है, लेकिन उसके बाद ये UPS बंद हो गया था। बच्चे आए हैं स्कूल कॉलेज से तो उनको खाना वगैरह खिला के तो मैंने सुला दिया था कि क्या पता इतनी देर में लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई है। अब सिर्फ कल छुट्टी है और मुकद्दस का परसों फिर पेपर है। तो जी, इन हालात में तो पढ़ना आपको पता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है और जितनी कैंडल थी मैंने कब की, ये तकरीबन आप कह लें कि 3रा घंटा है ये ऑन की हुई है, ठीक है। और बस अब तो जी मेरा दिल है कि बचपाखरा की तरफ सोलर पैनल लगा हुआ है तो मुकद्दस जाके वहां पे 2-3 घंटे पढ़ ले, क्योंकि उसका कल नहीं तो परसों दोबारा पेपर है। अब देखते हैं क्या बनता है। बच्चों का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिलहाल तो वो कमरे में है, उधर भी मैंने ये कैंडल और टॉर्च वगैरह रख के दी हुई है उनको, तो वो बस अंदर। असल में मैं उनके कपड़े चेंज करने लगी हूँ, मैं दिल उनको तैयार वगैरह करती हूँ, तो उसके बाद फिर हमने जाना है बाय। और देखते हैं कि जो छोटे मोटे चलें, कोई घर में तो कोई काम नहीं हो रहा है तो चलें बाहर की छोटे मोटे काम हो जाएं। तो जैसे जैसे क्लिप शूट करती जाऊंगी तो जी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। अम्मा क्या कर रही है? कलर कर रही है। ये जी देखिए अम्मा कलर कर रही है। ये अम्मा को जी ये मोबाइल इधर लगा के दिया है, उसकी जी ये फ्लैश लाइट ऑन की है और अम्मा यहाँ पे कलर कर रही है। माँ सच्ची हालात चेक करें, कैंडल इधर जी चला कर रखी हुई है, UPS बंद हो गया है, मलक साहब भी आ गए जी। बैठ जाओ ना, हमने बैठ के कलर करो। बच्चों का आज जी बस चेंज वगैरह करवाया और हम आगे थे इम्तियाज़ पे, यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह करने वाली थी। मैंने कहा चलें, और तो आज कोई काम हो नहीं रहा तो बच्चों को लेके ज़रा बाहर निकलती हूँ। बच्चे यकीन करें जब से आए थे स्कूल से, जब तक रोशनी रही है तो चलें गुजारा होता रहा है, लेकिन उसके बाद इतना ये बोर हो रहे थे, इतना ये तंग पड़े हुए थे ना, मैंने कहा इनको चलें भाई बाहर चलते हैं ज़रा कहीं से ना, चलें ग्रोसरी करके ले आते हैं, एक काम तो होना हमारा। और हालांकि टेलर के पास भी मैंने जाना था लेकिन वो काम नहीं हुआ है। अच्छा, इब्राहिम अब माशाल्लाह हमारे साथ साथ रहता है, जब कोई स्कूल जाने शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज आई है। और ट्रॉली सी के पास होती है सारी, ये हमारे साथ ग्रोसरी वगैरह करवाता है। मलिक साहब यहाँ पर जी बिल करवा रहे थे तो मैंने कहा चलें इनके ज़रा ये वाला भी एक सेशन इन्होंने लगाना होता है तो ये भी एक दफ़ा लगा लें। और ये देखें इब्राहिम के काम, इसकी स्पीडें ज़रा चेक करें, इतना मुझे डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। तो बाजी यहाँ से हमने ग्रोसरी वगैरह की है और फिर हमने आना था मुकद्दस को लेने के लिए, क्योंकि मुकद्दस आई हुई थी बाजी फाखरा की तरफ और स्टडी करने के लिए। और आप अंधेरा चेक करें, बिल्कुल भी यकीन करें कि कोई चीज़ ऑन नहीं थी। बस जी हम यहाँ से मुकद्दस को लिया है, मुकद्दस को हुई है पढ़ाई और अमना अमना को नींद नहीं आई है। सुना मुकद्दस जी कह रही थी कि मामा कुछ हो गई है पढ़ाई। और ये जी देखें जहाँ जहाँ पे मतलब के जनरेटर वगैरह हैं वहाँ वहाँ तो रोशनी थी, लेकिन जहाँ पे जनरेटर नहीं है बिल्कुल अंधेरा था। काफ़ी मार्केट वगैरह भी बंद हो गई थी और बस अल्लाह पाक अपना रहम करे। नीचे बैठो, नीचे रहे। फिर जी हम आ गए थे क्वींस पे, यहाँ का ना सूप जो है सरगोधा में, मुझे यहाँ का सूप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। हमने सूप वगैरह जब भी पीना होता है तो यहीं पे आते हैं, अव्वल तो मैं घर पे बनाती हूँ फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। और मुकद्दस ने और मैंने खाना नहीं था खाया हुआ, बाकी साहब ने तो खाना खा लिया था। तो मलिक साहब कहते हैं कि चलें सूप पके आया, सूप तो बंदा पी लेता है ऊपर से, जैसे बंदा खाने के बाद चाय पी लेता है ना तो सूप तो बंदा पी लेता है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस जी यहाँ पे हमने सूप ऑर्डर कर दिया था और साथ ही में इनको जी मैं सर्व कर रही हूँ। और मुकद्दस से मैंने पूछा है कुछ आपको और चाहिए, कुछ और खाना है, तो कहती हैं नहीं मामा यही काफ़ी है।
वेजिटेबल वगैरह थी, दालें वगैरह थी, सारी ख़त्म हुई हुई थी। ये जी सारी जाके हम ले आए हैं और मुकद्दर यहाँ पे चीज़ें संभाल रही है और आमना साथ में उठा उठा के देती जा रही है सबको, और इब्राहिम सामने खड़ा देख रहा है। मैम क्या देख रहे हो? ये कोई बाहर हमारे ना, वो गाड़ी हमने अंदर की है तो डोगी एक आया है और वो उधर खड़ा होके तो माशाल्लाह नॉन स्टॉप बोर है जी। क्या कर रही हो? और ये जी देखें कैंडल वगैरह ऑन है, कैंडल रखी हुई है ऑन करके, बच्चे खेल रहे हैं साथ साथ में। और आज बड़ा ही जी हमने मुश्किल से दिन गुजारा। क्यों मुकद्दस? ये एक आज मुकद्दस का ड्रेस मुझे रिसीव हुआ था, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और साथ में उन्होंने जी ये हैंडबैग भी भेजा है, तो मैंने कहा दोनों चीज़ें आपको भी दिखा देती हूँ। न्यून का पेज है, लाजमी इनके पेज को विज़िट कीजिएगा, ठीक है? आपको बहुत शुक्रिया, आपको मैं जो भी चीज़ बताती हूँ या दिखाती हूँ आप वहाँ पर जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बोर्ड नेक किस तरह से बनी हुई है, और गेंजा का ये है जी कपड़ा, उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है? और साथ ही में वही पैच जो है ना ऑर्गेंजा वाला एम्ब्रॉयडरी वाला, वो इसी तरह से इन्होंने स्लीव्स के आगे लगाया हुआ है। अच्छा सिल्क का ये है कपड़ा, नेवी ब्लू कलर है, प्लेन सिल्क का ना, और ट्राउज़र भी सेम उसी स्टफ में है, और वही जो है ना ऑर्गेंजा वाला एम्ब्रॉयडरी वाला पैच उन्होंने नीचे इधर पोंचे वाली साइड पर लगाया है, ठीक है? और ये जी क्रिंकल का है, स्टोलर टाइप बना हुआ है, और इसके चारों साइड पर ना इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इब्राहिम साथ में माशाल्लाह खेल रहे हैं, और ये चारों साइड पर ये देखें इस तरह से ना उन्होंने एम्ब्रॉयडरी का पैच चारों साइड पे लगा दिया है, और बहुत प्यारा स्टॉलर टाइप बना हुआ है। लड़कियों की ना इस तरह के जब उन्होंने कपड़े पहने होते हैं तो बड़ी मॉडर्न सी लुक आती है, तो आप लाजमी इनके पेज को विज़िट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है इनके पेज के ऊपर, और मैंने आगे भी आपके साथ इनका पेज का शेयर किया था, ठीक है? और ये साथ ही में जी उन्होंने भेजा है बैग, ये ब्राउन से कलर का है, और ऐसे जिप ओपन करेंगे तो अंदर भी ये देखें ना इस तरह से पॉकेट है, और जैसे आजकल बच्चियां ये इस तरह के छोटे बैग लाइक करती हैं, ये आगे फ्रंट पे भी ना इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है? बैग की भी ये लेदर में है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो लाजमी जी इनके पेज के ऊपर जाइएगा, और अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो लाजमी इनके पेज को विज़िट कीजिएगा। पेज जो है मैंने मैंशन भी कर दिया है, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है? तकरीबन जी 15 मिनट हो गए हैं, शुक्र है कि लाइट आ गई है, बस अभी हमने चीज़ें वगैरह ही संभाली हैं, किचन साफ किया है, तकरीबन सारा काम खत्म हो गया था, बस अब मैं बच्चों को लिटाने लगी थी। और यकीन करें कि आज तो बिल्कुल वो वाले हालात में है, जैसे ना बिल्कुल जब लाइट भी नहीं थी होती, गैस भी नहीं थी होती, बिल्कुल मोबाइल भी नहीं थे होते, क्योंकि आज ना सिग्नल मिल रहे थे, नेट भी ऑफ था, और कोई काम नहीं हुआ है आज ना। तो चले अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे। आज का जी यकीन करें कि ऐसे लग रहा है जैसे पूरा दिन ही जाया हो गया, कोई काम नहीं हुआ। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज जो छोटे मोटे क्लिप शूट करती गई थी, अच्छा बाइक गई थी ग्रोसरी करके लाई थी, वो छोटा मोटा क्लिप आपके साथ शेयर किया है, फिर बच्चों के साथ मुकद्दस को लिया है, और फिर जी बच्चों के साथ चले गए थे वहाँ पे क्वींस पे, वहाँ पे सूप पी है, और बस हम वापस आ गए थे। बस थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हुई थी, क्योंकि ना कोई इतना खास काम नहीं हुआ है, तो बस ज़रा तबीयत भी ऐसी हुई हुई थी। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।